हेलो एवरीवन आज मैं बना रही हूँ पालक गोश्त इसके लिए चाहिए आपको हाफ ऑनियन, वन टी स्पून क्यूमिन सीड्स हाफ अ टी स्पून गर्म मसाला हाफ अ टी स्पून ऑफ मस्टर्ड सीड्स वन टी स्पून रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून थर्मरिक वन एंड हाफ टी स्पून ऑफ़ कोरिएंडर एंड वन फोर टी स्पून ऑफ ब्लैक फेपा पाउडर वन ग्रीन चिली वन टेबल स्पून ऑफ़ फैनोग्रिक लीव्स एंड वन टी स्पून ऑफ़ सोल्ट आम मैंने क्या करना है इस्पॉट में मैंने अपनी अनियन्स को गोल्डन फ्राई कर लेना है और फिर एक uh, एक तरफ मैंने क्या करना है अपने पालक की तैयारी करनी है मैंने यहाँ पर लिया है वन बंच ऑफ स्पेनिश और मैंने ले लिया होगा लाइक अराउंड सेवन फिफ्टी ग्राम ऑफ लेग एंड थाई मीट चिकन में बना रही हूँ मैं तो लाइक एग्जैक्टली वन के जी नहीं है सेवन फिफ्टी ग्राम है क्योंकि वो थ्री लेग्स हैं अब मैंने क्या किया है पालक को मैंने तेल में डाल के फ्राई कर रही हूँ मैं इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड कर ली है वन टेबल स्पून टू क्लोवस ऑफ गार्लिक ऐड कर लिया है और अपना वन ग्रीन चिली ऐड किया मैंने इसके अंदर आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना हो आप दो तीन ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं पर मैंने एक ही करी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो है नहीं बना सकती मेरे बच्चे नहीं खाते तो बस ये करने के बाद मैं जो हूँ इसको अपने गोश्त में शामिल कर लूँगी दूसरी तरफ मैं ये गोश्त की तैयारी कर रही हूँ मैंने इसमें पहले अच्छी तरीके से इसको फ्राई किया है अपने गोश्त को वन टीस्पून मैंने झिजे गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया है और मैं भुनाई कर रही हूँ इसकी अब मैं इसमें अपने मसाले ऐड कर दूंगी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि मेरे जो मसाले लगे ना पानी हमेशा गर्म ऐड करना चाहिए जब भी भी इस तरीके से कोई सिचुएशन हो जाती है ठंडा पानी कभी भी नहीं ऐड करना चाहिए उससे मसाले कच्चे रह जाते हैं तो मैंने अभी गर्म पानी ऐड किया है बस है मैंने अपना इसके अंदर स्पेनिश जो मैंने फ्राई किया था स्टार्टिंग में वो ऐड कर दिया है और मैं फिर से इसकी बुनाई कर रही हूँ मैंने थ्री फोर्थ कप इसमें योगा ऐड किए मैंने एक तरफ पैन में क्या करा है एक टेबल स्पून मैंने बटर ले लिया और उसमें मैं जो रेड होल जो चिली होती है वो फोर फाइव लेके उसको मैं उससे तड़का लगाऊंगी इसके अंदर ये मेरा आखिरी काम है और ये बस ऑलमोस्ट रेडी है सेम पैन में मैंने कर लिया है जी जनाब तो ये हो गया है तड़का लग गया है उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी आ, आ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए बाय